बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BCL बोनी की क्रिकेट लीग का आज दूसरा फाइनल है जिसमें बोनी की बादशाह और बोनी की अब्दुल्ला का मैच होने जा रहा है। जो आज जीतेगी वो फाइनल खेलेगी बोनी की शहीन के साथ, जो कि बेहतरीन मैच आज होने जा रहा है। बोनी की क्रिकेट लीग के बेहतरीन बॉलर आसिम आ रहे हैं। बोनी की बादशाह ने टॉस जीता और बॉलिंग की दावत दे चुके हैं और बैटिंग करने के लिए आएंगे अब्दुल्ला वाले। बैटिंग के लिए आ चुके हैं बोनी के अब्दुल्ला के जाने से चाचा अफजल और साथ में मलक अरशद DPU। पहला ओवर करने के लिए तैयार हैं आतिफ और सामना करेंगे चाचा अफजल और अंपायरिंग के साथ एग्जाम दे रहे हैं। सामना करेंगे चाचा आतिफ सामना करेंगे चाचा ओ बहुत ही बड़ा एच और गेंद बाउंड्री से बाहर, चार रन पहली बॉल पे। दूसरा बॉल करेंगे आतिफ सामना करेंगे चाचा अफजल चिटोनी शेर चिटोले क्या छोड़ दी चाचा अफजल की, बहुत ही बड़ा नुकसान बोनी की अब्दुल्ला के लिए, सॉरी बोनी की बादशाह के लिए। तीसरा बॉल करेंगे आतिफ सामना करेंगे अरशद और शॉर्ट बॉल और बेहतरीन फील्डिंग माजिद की जानिब से, तीन बॉल है पांच रन। चौथा बॉल करेंगे आतिफ सामना करेंगे अरशद शॉर्ट बॉल और ऊंचा खेलते हुए कैच नहीं हुआ लेकिन गेंद बाउंड्री की तरफ जाते हुए फील्डर नहीं पीछे और दो रन मिले, चार बॉल है सात रन। आतिफ सामना करेंगे अरशद और अच्छी बॉलिंग करते हुए आतिफ, एक रन मिलेगा, पांच बॉल है आठ रन। लास्ट बॉल करेंगे आतिफ सामना करेंगे चाचा अफजल कोई रन नहीं मिलेगा, आठ रन हो चुके एक ओवर में बगैर किसी नुकसान के बोनी की अब्दुल्ला। दूसरा ओवर करने के लिए आसम सामना करेंगे अरशद, कदमों का इस्तेमाल करते हुए अरशद और मेज फील्डिंग की लेकिन एक रन बनेगा, एक रन के साथ नौ रन। दूसरा बॉल करेंगे आसम सामना करेंगे चाचा अफजल, अफजल से नौ रन हो चुके वाइड बॉल, एक बॉल दूसरे ओवर की और दस रन। और अफजल भी उनके साथ ही कंटेम्पररी प्लेयर है इस बार, और कैप में खेलते हुए चाचा अफजल और चार रन मुकम्मल हुए गेंद बाउंड्री से बाहर, चार रन के लिए गेंद बाउंड्री। दूसरे ओवर की दो बॉलें और चौदह रन हो चुके हैं। तीसरा बॉल करेंगे आसम सामना करेंगे चाचा अफजल, यहाँ पर जरूरत है ऊंचे स्ट्रोक्स मारने की। ऊंचा खेलते हुए चाचा अफजल बहुत ही ऊंचा छक्का, छह रन, बीस रन हो चुके हैं। ऑन साइड की क्लैपिंग नहीं हुई तमाशाइयों की जानिब से। चौथा बॉल करेंगे आसम सामना करेंगे चाचा अफजल, चाचा अफजल ये बॉल को फ्लिक करते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर फेंक दे रहे हैं, दूसरी बाउंड्री मिसाइल लगा चुके हैं। इस ओवर में तीन बाउंड्री आ चुके हैं, 26 रन हो चुके हैं। आसिम सामना करेंगे चाचा अफजल, हैविंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन फुल टॉस, मिस्ड चांस एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटी, एक रन मिलेगा, 27 रन हो चुके हैं। दूसरे ओवर की पांच वाले और लास्ट बॉल करेंगे आसिम सामना करेंगे अरशद, सीधी बॉल को खेलते हुए अरशद, आतिफ ने क्या छोड़ दी, बहुत ही नुकसान कर रहे हैं बोनी की बादशाह वाले खुद ही का, बहुत ही नुकसान कर रहे हैं। आपको 28 रन हो चुके हैं, दो ओवर मुकम्मल जीता करता जो है, बहुत बगैर किसी विकेट के नुकसान के बोनी की अब्दुल्ला के 28 रन हो चुके हैं दो ओवर में। तीसरा बॉल करें ओवर करेंगे आतिफ सामना करेंगे अरशद, अच्छी बॉलिंग करते हुए आतिफ, बेहतरीन बॉलिंग करते हुए आतिफ, आतिफ ने पहले ओवर में सिर्फ 8 रन दिए, दूसरे ओवर में 20 रन के और 29 रन हो चुके हैं सिंगल के साथ। दूसरा बॉल करेंगे आतिफ सामना करेंगे चाचा अफजल, गुड बॉलिंग करते हुए आतिफ, एक रन मिलेगा, 30 रन हो गए। तीसरा बॉल करेंगे आतिफ सामना करेंगे अरशद, अरशद कदमों को इस्तेमाल करने गए लेकिन बाहर थी और बॉल वाइड, 31 रन आतिफ टू अरशद और इस बार चूक गए, गेंद नहीं खिलौती जाएगी। आतिफ सामना करेंगे अरशद और वाइड बॉल, 32 रन और ये वाइड बॉल
इस बार आते सामना करेंगे अर्शद और बैट बॉल आतिफ की लाइन लेंथ खराब हो चुकी है थोड़ा सा फील्डिंग के स्थान पर और भी डेड बॉल का इशारा देना होगा अंपायर को और इसके साथ ही अब जितने बड़े ये फील्डर थे अच्छी बॉल करते हुए आतिफ अपनी कदमों को जमा पर और पूरा चौथी बॉल करेंगे आतिफ सामना करेंगे चाचा अफसर मेरे साथी अच्छी बॉलिंग बहुत ही बढ़िया बॉल चाचा अफसर चूक गए और डॉट बॉल कर चुके पांचवा बॉल करेंगे आतिफ सामना करेंगे चाचा अफसर और स्लो बॉल चाचा अफसर मुसलसल दूसरी बॉल से चूक गए अच्छी बॉलिंग करते हुए आतिफ लास्ट बॉल करेंगे आतिफ तीसरे ओवर की सामना करेंगे चाचा अफसर और डेड बॉल नो बॉल तो आखिरी ओवर में काफी रन बन गया ओ चाचा अफसर ऊंची बॉल फील्डर नीचे चिट्टो ओ चिट्टो ने कैच छोड़ दी जो कि आउट तो नहीं होना था लेकिन कैच उन्होंने छोड़ गुणी की अब्दुल्ला के तीन ओवरों में 36 रन हो चुके हैं बगैर किसी विकेट को नुकसान के इस ओवर में सिर्फ और सिर्फ आतिफ ने भी 8 रन दिए पिछले ओवर में सिर्फ ने 8 रन दिए थे और आसम को सिर्फ 20 रन लगे ओवर चौथा ओवर करेंगे आसम और सामना करेंगे मलक अरशद डीपीओ डीपीओ के नाम से मशहूर है आसम सामना करें अरशद ओ अरशद उठा के खेलते हुए 6 रन बाउंड्री से बाहर छक्का अच्छी बॉलिंग करते करते खराब बॉलिंग करने लग गए हैं और अर्शद मुसलसल लीग में अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और फुल टॉस अर्शद मिस हुए लेकिन आसिम ने कोई कसर नहीं छोड़ी और मिस फील्ड का मुजहरा गफरान की जानब से लेकिन कम बैक करते हुए जुवेद एक रन मिलेगा 43 रन अच्छी बैटिंग है आसिम तीसरा बॉल करेंगे और सामना करेंगे चाचा अफसर ओह फुल टॉस चाचा अफजल कदमों को इस्तेमाल करते हुए लेकिन चाचा अफजल आउट अख्तर लाठी ने बेहतरीन कैच पकड़ते हुए चाचा अफजल आउट हो चुके हैं 43 रन एक विकेट के नुकसान पे बुनी के कलंदर के सॉरी बुनी की अब्दुल्ला के नए आने वाले बैट्समैन लालू इजाज उर्फ लालू ये आ रहे हैं नए बैट्समैन लालू क्या कहना चाहेंगे चौथा बॉल करेंगे आसम चौथे ओवर का और सामना करेंगे लालू यानी कि रन बना रहे तो क्या बनेगा ओ लालू उठा के खेलते हुए फील्डर का नीचे आ रहे हैं गफरान भी नीचे और लालू आउट बहुत ही बड़ी विकेट बहुत ही बड़ा लॉस बुनी की अब्दुल्ला को जैसे मैंने कहा आसिम खराब बॉलिंग कर रहे हैं लेकिन कम बैक करते हुए मुसलसल दो विकेट हासिल कर चुके हैं इसी ओवर में और हैट्रिक बॉल करेंगे आसिम हैट्रिक बॉल करेंगे चौथे ओवर के इस लीग में दो हैट्रिक कर चुके हैं आसिम और अरशद कदमों का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही बढ़िया शॉट 4 रन मिलेंगे इस बॉल पे लास्ट बॉल करेंगे आसिम सामना करेंगे मलिक अरशद डीपीओ ओ आगे बॉल करते हुए आसिम अर्शद भी शॉट अच्छा खेलते हुए एक रन मिलेगा और 4 ओवर मुकम्मल 2 विकेट नुकसान पर बुनी की अब्दुल्ला 48 रन हो चुके हैं 4 ओवरों में जो कि बहुत ही अच्छी बॉलिंग है बुनी की बादशाह की जानब से और लूज बैटिंग कहूंगे इस बैटिंग को जो कि लूज बैटिंग कर रहे हैं बुनी की अब्दुल्ला वाले आज ये दूसरा सेमीफाइनल है बुनी की अब्दुल्ला वर्सेज बुनी की बादशाह की जानब से बुनी की क्रिकेट ग्राउंड में ये वाम का अजूम उतरा है और पांचवा ओवर करने के लिए राणा कामरान सामना करेंगे मलिक अरशद ओ अरशद बोल्ड बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कामरान की जानब से अरशद बोल्ड हो चुके हैं नए बैट्समैन मतीउल्ला जिनका गुजरात से तल्लुक है और कामरान का सामना करेंगे दूसरा बॉल करेंगे पांचवें ओवर का कामरान सामना करेंगे मतीउल्ला ओ मती ऊंचा खेलते हुए फील्डर दौड़कर नीचे आ रहे हैं चिट्टो चिट्टो और चिट्टो ने क्या छोड़ दी आज चिट्टो मुसलसल 3 कैच छोड़ चुके हैं इस मैच में तीसरा कैच चिट्टो ने ड्रॉप कर दिया डबल रन के साथ 50 रन मुकम्मल बुनी की अब्दुल्ला की कामरान तीसरा बॉल करेंगे सामना करेंगे मतीउल्ला और डॉट बॉल
बिलाल भाई आपके लिए राणा नवीद की जानिब से 100 रुपए इनाम। कामरा चौथा बॉल करेंगे, सामना करेंगे मत्ती। ओ मत्ती उठा के खेलते हुए बॉल को और फील्डर नीचे, लेकिन 6 रन 56 रन हो चुके हैं। ये 5वें ओवर की 4 बॉले और 56 रन। 5वां बॉल करेंगे कामरान, सामना करेंगे मत्ती। ओ आज फील्डर क्या छूट गया रावल से भी, बहुत ही नाकस फील्डिंग भुनी की बादशाह की जान से, बहुत ही नाकस फील्डिंग। 4 कैच ड्रॉप कर चुके हैं भुनी की बादशाह वाले। लास्ट बॉल करेंगे कामरान, सामना करेंगे बिलाल जो कि इस्लामाबाद से तशरीफ लाए हैं। और वाइड बॉल का इशारा, वाइड बॉल कामरान, सामना करेंगे बिलाल। ओ बिलाल पहली बॉल खेलते हुए बाउंड्री से बाहर फेंक रहे हैं, बहुत ही बढ़िया शॉट। 6 रन 64 रन 5 ओवर मुकम्मल और 3 विकेटों के नुकसान पर भुनी की अब्दुल्ला 64 रन चुके हैं भुनी की अब्दुल्ला के, 5 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। बॉलर हैं राशिद और सामना करेंगे मत्ती। लास्ट ओवर पहली इनिंग का, राशिद पहला बॉल करेंगे और मत्ती आगे खेलते हुए फील्डर रासम नीचे आ रहे हैं। ओ छक्का रोकने में कामयाब हुए, अच्छी फील्डिंग करते हुए आसिम। 2 रन मिलेंगे और 66 रन। दूसरा बॉल करेंगे राश, सामना करेंगे मत्ती और वाइड बॉल 67 कोई नहीं मत्ती इनका सामना करेंगे। ओ मत्ती उठा के खेलते हुए नीचे मट्टा लाठी और मट्टा लाठी, बेहतरीन कैच करते हुए, लेकिन 6 रन कैच किया लेकिन नाकाम रहे और 6 रन मिल चुके हैं। 73 रन। तीसरा बॉल करेंगे, ओ मत्ती उठा के खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर, 79 रन। राशिद दो बाउंड्री लग चुकी हैं, राशिद चौथा बॉल करेंगे, सामना करेंगे मत्ती और स्लो डिलीवरी, मत्ती उठा के खेलते हुए इस बॉल को भी बाउंड्री से बाहर, 6 रन। बहुत ही बड़ी बैटिंग, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं मत्ती। 85 रन इस सिक्स के साथ, 85 रन 2 बॉले बाकी 6 ओवर की। 5वां बॉल करेंगे, सामना करेंगे मत्ती और उठा के खेलते हुए मत्ती 4 रन 89 रन। लास्ट बॉल करेंगे राशिद, फुल टॉस और नो बॉल की कॉल, ऊंचा खेलते हुए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। मत्ती ने अपना बदला ले लिया एक नौजवान प्लेयर से, इस मत्ती को एक सीनियर ने 6 छक्के लगाए थे, लेकिन मत्ती जूनियर को 5 छक्के लगा चुके हैं। लास्ट बॉल करेंगे राशिद और ये 5 छक्के मुकम्मल, 102 रन का टारगेट, 102 रन का टारगेट लग रहा है, जो कि मैं अभी स्कोर बोर्ड से पूछने कंफर्म करके बताऊंगा। 103 रन का टारगेट भुनी की बादशाह को, भुनी की अब्दुल्ला की इलेवन की जानब से, अब्दुल्ला इलेवन की जानब से भुनी की बादशाह को 103 रन का टारगेट ओपनिंग करने के लिए आ रहे हैं अख्तर लाठी और साथ में रावल। जाजफ लालू तैयार, सामना करेंगे अख्तर लाठी। दूसरी इनिंग का आगाज होने जा रहा है। ओ अख्तर लाठी क्या शॉट लगाए, बहुत ही बड़ा यार छक्का, बहुत ही लंबा, इस लीग का मेरे ख्याल में सबसे बड़ा छक्का होगा, यानी कि 150 मीटर का छक्का। दूसरा बॉल करेंगे लालू, सामना करेंगे अख्तर लाठी। अख्तर लाठी गेम में खेलते हुए 4 रन मिलेंगे जी, 10 रन 2 बाले 10 रन। लालू तीसरा बॉल करेंगे, सामना करेंगे अख्तर लाठी। 2 बालों में 10 रन हो चुके हैं और चौथी बॉल भी 4, तीसरी बॉल भी 4 रन 14 रन, 3 बॉलों में 2 चौके 1 छक्का 14 रन। लालू चौथी बॉल करेंगे, सामना करेंगे अख्तर लाठी। 3 बॉलों में 2 चौके 1 छक्का, चौथी बॉल फुल टॉस, लाठी मिस हुए,
लाठी मिस हो चुकी है। पांचवा बॉल करेंगे लालू, सामना करेंगे अफ्तल लाठी। ओ लाठी उठा के खेलते हुए फील्डर दौड़ कर नीचे जा रहे हैं और ये चार रन मिलेंगे। चार पांच बालों में तीन चौके एक छक्का 18 रन। लास्ट बॉल करेंगे जादरूफ लालू और सामना करें अख्तर लाठी जो कि अच्छे बैट्समैन जाने जाते हैं बुनिकी क्रिकेट के और अच्छी बैटिंग करते हैं। लालू सामना करें अख्तर लाठी और अच्छी बॉल करते हुए लालू एक ओवर में 18 रन बुनिकी बादशाह के बगैर किसी विकेट के नुकसान में। दूसरा ओवर करने के लिए आ चुके हैं मलकर शर डीपीओ और सामना करेंगे रावल। एक ओवर में 18 रन हो चुके हैं बुनिकी बादशाह वालों के। हर्षद सामना करेंगे रावल, फुल टॉस, रावल उठा के खेलते हुए फील्डर के ऊपर से 6 रन, बहुत ही बढ़िया शॉट, 24 रन। दूसरा बॉल करेंगे हर्षद, सामना कर रहे हैं रावल। ओ हर्षद के सर के ऊपर से बॉल 4 रन, 28 रन। दूसरे ओवर की 2 बॉलें और 28 रन। सारा स्कोर सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री का है जिसमें 5 4 चौके 2 छक्के लग चुके हैं 8 बालों में। तीसरा बॉल करेंगे अच्छा, सामना करें रावल और फील्डर नीचे आ रहा है लालू और कैच छूट गया। बहुत ही बड़ा नुकसान बुनी की अब्दुल्ला वालों का, कैच थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन लालू कवर नहीं कर सके। 29 रन हो चुके हैं दूसरे ओवर की 2 बॉलें और 29 रन। चौथी बॉल करेंगे अर्शद, सामना करेंगे अख्तर लाठी। अख्तर लाठी आउट, बड़ी बॉलिंग करते हुए अच्छी मलक अर्शद। 29 रन हो चुके हैं बोनी की अब बादशाह वालों के 29 और एक विकेट के नुकसान पे। दूसरे ओवर की 4 बॉलें हो चुकी हैं और नए बैट्समैन आ रहे हैं गफरान बाउ। मलकर्षण ने बहुत बड़ी विकेट हासिल की और चाची ने अच्छा क्या किया। अर्शद सामने करेंगे गफरान, ओ एज फील्डर नीचे अली, ओ गफरान भी आउट, 2 विकेटे मुसलसल अर्शद की जानब से। नए बैट्समैन आ चुके हैं अजवेद, अर्शद की हैट्रिक बॉल और सामना करेंगे रावल। वाइड बॉल 30 रन, वाइड बॉल 30 रन। लास्ट बॉल दूसरे ओवर की अर्शद करेंगे सामना करेंगे और हैट्रिक बॉल जारी है अभी और वाइड बॉल 31 रन। अर्शद हैट्रिक कर चुके हैं और रावल भी आउट, 3 विकेटे अख्तर लाठी बाऊ गफरान रावल आउट हो चुके। बुनिकी अब्दुल्ला वाले मैच में वापस आ चुके हैं और 2 मुकम्मल मेरे ख्याल में मैच इनके हक में आ चुके हैं और 2 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं 31 रन। तीसरा ओवर करेंगे लालू और सामना करेंगे जुवेद। 2 ओवर में 31 रन, 3 विकेट नुकसान कर बुनिकी अब्दुल्ला वाले, सॉरी बुनिकी बादशाह के। मिड फील्डिंग 2 रन लेने में कामयाब, 33 रन। दूसरा बॉल करेंगे लालू, सामना करेंगे जवेद और डॉट बॉल, ओवर बचाओ, ओवर 2 बॉल 33 रन। तीसरे ओवर की चौथा तीसरा बॉल करेंगे लालू, सामना करेंगे जवेद। ओ उठा के खेलने की कोशिश, ओ फील्डर बहुत ही लूजर है पीछे मलक शबान और 2 रन लेने में कामयाब, 35 रन। 3 बॉले 35 रन। चौथा बॉल करेंगे लालू और एज फील्डर चाचा अफजल पीछे जा रहे हो, क्या छोड़ दी चाचा अफजल ने, खुद ही चाचा अफजल ने क्या छोड़ दी जवेद की। 36 रन, 4 बॉले 36 रन बुनिकी अब्दुल्ला के और 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। लालू 5वां बॉल करेंगे, सामना करेंगे आसिम और वाइड बॉल,
आसिम सामना करेंगे लालू का, दो बाले बाकी हैं 30 ओवर की। और फुल टॉस लीक करते हुए और मिस फील्डिंग, ये भी डबल रन मिलेगा जी, दो रन मुकम्मल। 38 रन लास्ट बॉल करेंगे लालू, तीसरे ओवर की सामना करेंगे आसिम। और फ्लिक भी, ये भी बॉल को दो रन मुकम्मल, तीन ओवर मुकम्मल, तीन विकेटों के नुकसान पर तकरीबन 39 रन हो चुके हैं, तीन ओवर मुकम्मल और तीन विकेटों के नुकसान पर 39 रन, सॉरी 41 रन हो चुके हैं, तीन ओवरों में 62 रन दरकार बोनी के बादशाह को। अर्शद सामना करेंगे जवेद, ओ उठा के खेलते हुए नीचे जा रहे हैं मलिक शबान, ओ क्या छोड़ दे शबान ने, दो रन 41+2 43 रन। अर्शद दूसरा बॉल करेंगे, चौथे ओवर का सामना करेंगे जवेद, ओ पहला छक्का जवेद के बैट से 49 रन। तीसरा बॉल करेंगे अर्शद, सामना करेंगे जवेद, फुल टॉस और दो रन की कॉल और मिस फील्डिंग हो रही है मुसलसल फील्डरों की जानिब से, दो रन मुकम्मल 51 रन। चौथा बॉल करेंगे अर्शद, सामना करेंगे जवेद, ओ छक्का जवेद के पैर से, बहुत ही बढ़िया शॉट। पांचवा बॉल करेंगे अर्शद, सामना करेंगे जवेद, फुल टॉस, ओ कैच कीपर के ऊपर से और नो बॉल भी, 5 रन प्लस होंगे ये, और दो बॉले अभी कंटिन्यू और फ्री हिट भी, दो बाले बाकी चौथे ओवर की। अर्शद 3-8 बॉल, पांचवा करेंगे और सामना करेंगे जवेद लाठी, फुल टॉस गेम में खेलते हुए जवेद और 4 रन, बड़ी बड़ी बैटिंग जारी, बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं जवेद, मैच में वापसी करते हुए बुनी की बादशाह वाले बुनी की अब्दुल्ला वाले मैच से कम बैक नहीं कर रहे, पहले इन्होंने 3-1 ओवर अर्शद ने 3 खिलाड़ी आउट की, हैट्रिक की। लास्ट बॉल करेंगे अर्शद, सामना करेंगे जवेद लाठी, ओ ऊंचा खेलते हुए जवेद लाठी, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, सी मारी खाले बाहर, 6 रन, बहुत अच्छा ओवर जवेद लाठी ने लगा दिया अर्शद को, जो कि अर्शद ने पिछला ओवर बहुत ही अच्छा किया था, ले बहुत बुरा ओवर रहा अर्शद का, 72 रन हो चुके हैं 4 ओवरों में, बहुत ही अच्छा ओवर लगाने में कामयाब हुए बुनी की बादशाह वाले, 72 रन, सिर्फ 31 रन बाकी हैं और सिर्फ 12 बालों में सिर्फ 31 रन दरकार बुनी की बादशाह को, मत्ती ओवर कराने के लिए आए हैं। पांचवा सामना करेंगे मास्टर आसम, और पहला बॉल वाइट, 30 रन बाकी 12 बालों में, सामना करेंगे आसिम, फुल टॉस और आसिम मिस हो चुके हैं, गॉट बॉल, 11 बालों में 30 रन बुनी की बादशाह को दरकार, मत्ती सामना करेंगे आसिम, ओ आसिम उठा के खेलते हुए फील्डर नीचे आ रहे हैं बिला मलक शबान, लेकिन कैच नहीं हो सका, 28 रन 10 बालों में 28 रन दरकार, 10 बालों में 28 रन बुनी की बादशाह को दरकार, मत्ती सामना करेंगे आसिम, ओ आसिम अच्छा शॉट खेलने में नाकाम हो रहे हैं मुसलसल, नौ बालों में 27 रन, मत्ती चौथा बॉल करेंगे, सामना करेंगे जवेद लाठी, और वाइड बॉल नौ बालों में 10 रन बुनी की बादशाह, मत्ती सामना करेंगे जवेद, फुल टॉस और एक रन सिर्फ हासिल किया बुनी की बादशाह, 8 बॉलों में 25 रन बुनी की बादशाह को सरकार, मत्ती सामना करेंगे आसिम,
ओ आसम उठा के खेलते हुए पहला छक्का आसम के बैट से 19 रन दरकार सात बालों में 19 रन दरकार पुणे की बादशाह को। मत्ती सामना करेंगे आसम, अगर छक्का लगे तो मैच इजी हो जाएगा, लेकिन ना लगा तो मुश्किल आसा। और वाइड बॉल 18 रन सात बालों में 18 रन। ओवर, एक ओवर में 18 रन दरकार भुनी की बादशाह को। बहुत ही अच्छी बॉलिंग मत्ती करते हुए सिर्फ और सिर्फ 11 रन 12 रन दिया ओवर में। नए बॉलर तारक सामना करेंगे ज्वेला की, और गार्ड खेलने की कोशिश, लाठी आउट। पांच बालों में 17 रन दरकार होने की बादशाह को, और वे लाठी रन आउट हो चुके हैं। पांच बालों में 17 रन दरकार होने की बादशाह को। तारक सामना करेंगे आसम, और वाइड बॉल पांच बालों में 16 रन। ओ आसम उठा के खेलते हुए फिलहाल नीचे, ओ कैच छोड़ दी, फिलहाल कैच छोड़ दी, एक रन सिर्फ काउंट होगा। चार बालों में 15 रन। नए बैट्समैन आतिफ रोगल, जिन्होंने पिछले मैच में वन मैन आर्मी का किरदार अदा किया, आज देखते हैं क्या करते हैं। आतिफ आउट। तीन बालों में 15 रन भूनी की बादशाह को। नए बैट्समैन मीन मट्टा लाठी, देखते हैं आज मीन मट्टा लाठी क्या करते हैं। इनका भी काफी नाम है इलाके में, मीन मट्टा लाठी। सामना करेंगे तारक का, सिर्फ तीन छक्के चाहिए तीन बॉलों में। तारक सामना करेंगे मीन मट्टा, फुल टॉस। दो बालों में 15 रन भुनी की बादशाह को। फुल टॉस, मीन मट्टा ने छक्का लगाया, नो बॉल भी मीन मट्टा ने छक्का लगाया, नो बॉल भी। सिर्फ और सिर्फ 8 रन दो बालों में। मैच में वापसी करते हुए मीन मट्टा लाठी ने छक्के के साथ 2 बालों में 8 रन और फ्री अटैक। तारिक सामना करेगा मीन मट्टा, तारिक भी बन सकते हैं। ओ मीन मट्टा छक्का लगा दिया, मीन मट्टे ने छक्का लगा दिया। जैसे मैंने आपको बताया, मीन मट्टे ने बहुत ही नाम है इनका इलाके में, और मीन मट्टे ने साबित कर दिया कि मीन मट्टा वाकई मीन मट्टा है। एक बॉल में 2 रन सिर्फ और सिर्फ, अगर 2 रन लेंगे जीतेंगे, 1 रन लेंगे तो टाई होगा। सिर्फ बॉल को टच करना मीन मट्टे ने बैट के साथ, और भुनी की बादशाह जीत जाएगी। तारक के लिए भी हीरो बनना, और मट्टे के लिए भी हीरो बनने का चांस। ओ मीन मट्टा उठा के खेलते हुए फील्डर नीचे, ओ क्या छूट गया, भुनी की बादशाह विन कर चुकी है। जश्न मनाते हुए देखे बाप को, भुनी की बादशाह वाले जश्न मना रहे हैं, क्या बात है। जश्न देखे ग्राउंड बाम का, मीन मट्टा हीरो बन चुके हैं। बाम वो देखे, पैसों की बरसात मीन मट्टा के ऊपर से, पैसों की बरसात, 10-10 नोटों की बरसात हो चुकी है। और बहुत ही बढ़िया मैच, काफ़ी मैच डस्टिंग हुआ, लोगों का जश्न देखने को आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी जश्न हो रहा है। मीन मट्टा हीरो बन चुके हैं, तारक जीरो बन गए। हमारे कमेंटेटर सज्जाद उर्फ छादन डोगर, और साथ में नासर मार, साथ में रमजान जिनका बापटा से तल्लुक है, और साथ में खड़े हैं मलिक उस्मान और आतिफ के बड़े भाई शेर मोहम्मद साहब। जो मीन मट्टा आज विन गया और हीरो बन चुके हैं आज के मैच के, मीन मट्टा जिन्होंने आखिरी तीन बालों में 15 रन दरकार थे, और इन्होंने 2 छक्के 1 डबल रन के साथ मुकम्मल कर दिए और भुनी की बादशाह को विनिंग बना दिया।